शाजापुर में आज जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि किसानों को विद्युत कंपनी के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। जो पहले किसानों को दिन में सिंचाई करने के लिए विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विद्युत विभाग के तानाशाह रवैया के चलते विद्युत का समय रात में कर दिया गया है, जिससे शाजापुर और शाजापुर के आसपास के किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस देश के अन्नदाता ओके साथ में लगातार विद्युत कंपनी के द्वारा पक्षपात और परेशानी की जा रही है। कभी बिजली कंपनी के द्वारा किसानों को खेत में तार गिर जाते हैं तो कहीं पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिनको समय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ठीक नहीं करवाया जाता। नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है और बताया गया है कि यदि 5 दिवस के अंदर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय किसान संघ तहसील का है, हर तहसीलों में है। राजबहादुर सिंह गुजर, यह जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ का। तो विद्युत मंडल ने जो शेड्यूल बनाया है इसके खिलाफ हमने धरना दिया है। किसान मान लिया जाए कि किसी मजदूर करे, पानत वाले किसी करे तो कैसे करे, 3 बजे से 9 बजे तक कैसे बुलाए उसको, मजदूरी कैसे दे। जैसे 12 से 6 चलता था तो ठीक है भाई, 12 से 6 चल जाएगा, 4 घंटा रात में कर लेगा किसान। लेकिन ये रात का शेड्यूल, 3 बजे उठना, 3 बजे कौन उठेगा, मजदूर कहाँ से मिलेगा किसान, और काफ़ी काम है। तो इसके लिए हमारा विद्युत मंडल के खिलाफ ये धरना है। हमने केवल ये किसान संघ के प्रतिनिधि हैं, किसानों का प्रेशर किया नहीं है हमने, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं हो, इसलिए हमने सांकेतिक धरना है और उनको बताना है कि ये शेड्यूल बदला जाए और किसानों को सुविधा दी जाए। 10 घंटे बिजली वैसे दिन में देना चाहिए, अगर शिफ्ट है तो आप दो शिफ्ट है तो 10-10 घंटे दे सकते हैं, या शिफ्ट में 6-6 घंटे 12-6 चल रही है, फाल्ट हो जाती है उसमें, नहीं चल पाती है, तो ये समस्या है, इसके खिलाफ बैठे। और किसानों के साथ में ऐसा ही होता है, अभी प्याज मंडी आपने देखी हो तो प्याज में भीड़ चल रही है, और वहाँ देखो ना उसमें प्याज का भाव तोड़ दिया, ऊपर आयात नहीं रहा, मांग भी बढ़ी है, इसके बाद भी प्याज का भाव जहाँ टूट जाता है, किसानों खाद लेने जाओ तो वहाँ नहीं मिलता है, खाद का भाव बढ़ा दिया जाता है, कहीं भी चले जाओ किसान को समस्या ही समस्या। मतलब कोई भी सामान किसान सोयाबीन बेचने जाए तो भीड़, प्याज बेचने जाए तो भीड़, अब प्याज नहीं बिक रहा उसमें भीड़ चल रही, जबकि प्याज है नहीं, अब कहाँ प्याज बचा जाए। कब तक जारी रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? धरना आज का ही है, अगर नहीं करेंगे ये संशोधन तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले पूरे जिले में आज धरना प्रदर्शन है बिजली विभाग के खिलाफ। वास्तव में बिजली एक अनिवार्य संसाधन है किसान के लिए, जो रबी सीजन में सिंचाई के लिए आवश्यक होती है, लेकिन बिजली कंपनी की तानाशाही, मनमाने रवैये और किसानों को सुविधा के नाम पर जर्जर तार हो रहे हैं, खेतों में लटक रहे हैं, डीपी पर केबल नहीं है और कहीं ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, और बिजली का जो शेड्यूल विगत 2 साल से चल रहा था उसमें रात में 4 घंटा और दिन में 6 घंटा लाइट दी जाती थी, लेकिन अभी इन्होंने मनमाने तरीके से एसी कमरे में बैठकर शेड्यूल चेंज करा है अभी 7 दिन पहले, और वो ऐसा चेंज करा है जो रात की 11:30 बजे आता है और रात के 3 बजे चला जाता है। तो किसान को न तो सोने दिया जाता है और न जगने दिया जाता है। तो ऐसे मनमाने रवैये को देखते हुए पूरे ज़िले में आज ज्ञापन है। इसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर है ज़िले में किसानों के लिए दे रखे हैं उनमें इतनी जर्जर हालत हो गई है उनकी, कहीं तार फाल्ट हो रहे हैं और कहीं केबल फाल्ट हो रही है, ऐसी अनेक असुविधा आज बिजली विभाग के द्वारा किसानों को दी जा रही है, और मनमाने तरीके से बिल किसानों को लिए जाते हैं, कहीं लोड सेटिंग के नाम पर, कहीं लोड ज़्यादा के नाम पर 5 की मोटर के 7.5-7 के बिल मनमाने तरीके से दे रहे हैं। जो किसान 5 बीघे का है, गरीब किसान है, उससे भी हज़ारों रुपए बिजली बिल के नाम से, ओवरलोड के नाम से ले लिए जाते हैं। ऐसे मनमाने रवैये को लेकर भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में आज धरना प्रदर्शन है। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार हमारी इन 11 मुद्दे को लेकर हम जो मांग कर रहे हैं ये ठीक नहीं करती है आने वाले 5-6 दिनों में, तो भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होंगे,
और चक्का जाम की स्थिति बनेगी, ये सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।